यहाँ देखिए, मैं बात कर रहा हूँ सिजेंटा कंपनी के कुमान एल फंगिसाइड की, जो कि एक प्रकार का सिस्टेमिक फंगिसाइड है, यानी उसमें ट्रांसमिनार एक्शन होता है। पौधों में फैल कर वह फंगस को नियंत्रित करता है, फफूंद जनित रोगों को वह नियंत्रित करता है। सिजेंटा कंपनी का कुमान एल फंगिसाइड में जायरम 27% और SC फॉर्म में टेक्निकल होता है, जो कि अंगूर, सेब, टमाटर, आलू, सब्जियां और फलों में एंथ्रोनॉक्स, डाउनी मिल्ड्यू, स्केब, लीप स्पॉट, ब्राउन रोट का नियंत्रण करता है। यह एक प्रकार का प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव एक्शन वाला फंगिसाइड है। प्रोटेक्टिव यानी फसल में रोग लगने से पहले यदि इसका स्प्रे किया जाए तो यह रोग को रोकता है आने से, और क्यूरेटिव यानी कि जब फसल में रोग लग जाता है यदि उसके बाद भी इसका स्प्रे किया जाए तो यह रोग को नियंत्रण करता है। परंतु यदि आप इसे रोग लगने से पहले स्प्रे करते हैं तो इसका बेनिफिट्स अच्छा मिलता है, अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जब रोग आवश्यकता से ज़्यादा लग जाता है उसके बाद अगर आप स्प्रे करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो कम देखने को मिला है। इसलिए आप या तो इसे प्रोटेक्टिव रूप में पहले स्प्रे करें या फिर आप क्यूरेटिव रूप में इसे रोग लगने की शुरुआती अवस्था में स्प्रे करें, जिससे आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिल सके। इसका जो डोज है वो आपको 1 से 2 ml पर लीटर पानी के अनुसार रखना है। यह एक प्रकार का बोर्ड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंगिसाइड है, जो कि पौधों में पूरी तरह से फैलेगा। ट्रांसमिनार एक्शन भी इसमें होता है, जो कि पत्तियों में अगर ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो वो नीचे की तरफ भी अगर फंगस लगी हुई हो तो उसको भी वह नियंत्रित कर देगा। एक अच्छा फंगिसाइड है सिजेंटा का कुमान एल फंगिसाइड। आप इसका उपयोग करके इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इससे बीजों का उपचार भी किया जा सकता है और मिट्टी के साथ मिलाकर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि पेड़ों को लगाइए, पेड़ों को काटिए मत। अगर आपके खेतों के डिवाइडर पे एक आधा पेड़ है तो उसको आप काटिए मत। थोड़े से जगह में कोई आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर पर्यावरण संतुलन बनाए के लिए पेड़ का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप पेड़ों को काटते रहेंगे, पेड़ों को नहीं बचाएंगे तो आपका उत्पादन वैसे भी घटना ही है। इसलिए अनुरोध है कि पेड़ों को कम से कम काटें, और यहाँ तक कि पेड़ों को कम से कम जलाइए तो मत। बहुत सारे किसान दोस्तों को मैंने देखा है कि वो पेड़ों को जला देते हैं। जितना दर्द एक इंसान को होता है उतना ही तकलीफ़ पेड़ जब जलता है तो उसको भी होती है। तो पेड़ों को कम से कम जलाइए नहीं, चाहे वो बबूल का पेड़ ही क्यों ना हो। इसलिए प्लीज़ पेड़ों को जलाए नहीं, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और पर्यावरण संतुलन बनाने में मदद करें, पर्यावरण की रक्षा करें। देखिए, आप जहाँ भी खाली जगह हो वहाँ पेड़ लगाने की कोशिश करें, और खेत के मेड़ पर या आसपास एक आधा पेड़ है उससे अगर आपका थोड़ा बहुत जगह में फसल कमज़ोर हो रही है तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। उसी पेड़ की वजह से हो सकता है आपके जो बाकी का खेत है उसमें ज़्यादा उत्पादन निकलता हो, क्योंकि सहजीवी संबंध होते हैं हर चीज़ों के प्रकृति में। इसलिए आप पेड़ों को बचाइए और पेड़ों को कम से कम जलाइए तो मत। ये हमारी रिक्वेस्ट है, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और भी आगे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी किसान भाइयों को जानकारी मिलती रहे।